स्वामियों ने एक बड़ा सुंदर है कि उन्होंने एक श्लोक बनाया, ये सखी कौन कौन रूप में कैसे कैसे प्रकट हुई और इनके क्या क्या सेवाएं, उसमें कहते हैं मलितांबुलम भक्त ललिताम विशाखाम गंध चंदने श्यामरे चंपकलता तुंग विद्या तुनर्तने सुदेवी जल सेवायाम राग श्री रंग देवी के है। कहती किसकी सखी का क्या क्या सेवा है, बोले तांबुलम भक्त ललिताम। कहती ललिता सखी का सेवा क्या है, बोले तांबुल सेवा। आप लोगों ने कभी तांबुल खाए हो? खाए नहीं जानो, पता क्या चलेगा। जो पान की जो बिड़िया होता है ना, ये ललिता सखी देखो किसी को ये ललिता सखी बड़े सुंदर तांबुल मतलब पान की बिड़िया बना करके श्री राधा रानी को, अभी जैसे लिपस्टिक माताएं लगाती है ना, पहले लिपस्टिक कुछ नहीं होता था, इसलिए गुरुदेव कहते थे अगर ब्रह्मचर्य हो ना, अगर हमारे अंदर में ब्रह्मचर्य हो अपने आप तेज निकलेगा, ये लिपस्टिक लगाने कोई जरूरत नहीं। इसलिए पहले जब पान की बिड़िया खाते तो अपनी आप उसमें क्या होता था, मुंह में अपनी आप होठ अपनी आप लाल पड़ जाती थी, इसलिए आर्टिफिशियल लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं होती थी। इसलिए कहते ललिता सखी ये तांबुलम भक्त ललिताम, ये ललिता की सेवा तांबुल है। कहती जो ललिता सखी है, कहते ये इनका पिता और माता जी का नाम क्या है, बोले पिता माता का नाम कहते एक विशोक और एक नाम क्या है शारदा। विशोक और उनका पिताजी का नाम, इनकी माँ के नाम है शारदा है। कहती ये ललिता सखी क्या सेवा करती है, कहती जो फूल की जो सुंदर जो सज्जा, फूल की जो बितान मतलब बड़ा सुंदर जो अम्ब्रेला और फूल की जो कुंजम है, ये ललिता बड़ी एक्सपर्ट है, है? बड़ी एक्सपर्ट है ये ललिता सखी। इतने सुंदर फूल की कुंज सजाती हैं, जब राधा कृष्ण उसके अंदर में प्रवेश करते हैं ना, वो कुंज का रंग और राधा कृष्ण का रंग एक ही हो जाता है। कहती ये ललिता सखी की उम्र कितना है, बोले 14 साल 3 महीना ये 12 दिन ये ललिता सखी की उम्र है। राधा रानी से थोड़ी सी बड़ी सी ये ललिता सखी है। कहती ये ललिता इतने प्रखरा, इनका भाव क्या है, बोले प्रखरा समझती हो, बड़ी तेज है, इतने तेज है। अगर राधा कृष्ण पासा खेल रहे हैं, अगर देखते हैं, अगर राधा रानी की अगर दल राधा रानी की अगर ये हो गया ना, राधा रानी अगर जीत गया ना, ये ललिता सखी बड़ी प्रसन्न होकर क्या करती है, ताली बजाती है। क्या करती है, आप लोग कोई ताली बजाए, कभी ये ताली बजा कर खुश हो जाती है, क्योंकि इन जो सखियों का जो स्वभाव है, कहती है यद्यपि राधा कृष्ण दोनों तरफ तो है, लेकिन राधा जी की तरफ में ज्यादा झुका हुआ है, राधा जी के चरण में झुका हुआ है। अगर वो देखती हैं राधा रानी का जो पासा धीरे 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 राधा रानी डाउन होते जा रही है और कृष्ण धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहे हैं, अगर ये चीज वो देख लेती है ना, अगर कृष्ण अगर किसी तरह से राधा रानी को कोई थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बात बोल दे ना, ललिता एकदम प्रखरा तेज है, बोले श्याम सुंदर चुप रहो, कृष्ण को ये चुप करा देती हैं, कृष्ण को बोलने नहीं देती हैं, बोले ज्यादा बोलते हो चुप हो जाओ, हमारी किशोर जी को हराओगे, हम किशोर जी की हरना हम कभी स्वीकार कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये प्रखरा है, इसका स्वभाव बड़ी तेज स्वभाव है। कहते इनका जो सेवा की भाव किया है, बोले खंडिता, क्या नाम है समझते हो, खंडिता क्या होता है, खंडिता मतलब होता है जैसे राधा रानी बड़े सुंदर कुंज बनाए, राधा रानी अपना एक सुख है जिसका नाम विचक्षण सुख है, अब तोता है ये जाकर के कृष्ण राधा राधा जी को पास में कृष्ण का सारी खबर ये पहुंचाते हैं। जैसे राधा रानी सुंदर कुंज बनाए, अभी कुंज तो राधा रानी बनाए बड़े सुंदर उन्होंने श्रृंगार की, लेकिन कृष्ण ने बताया था ठीक इसी समय पर मैं आने वाला हूँ, अगर श्याम सुंदर नहीं आते हैं राधा रानी क्या होता है, बड़ी दुखी हो जाती है, राधा रानी बड़ी दुखी हो जाती है। अभी राधा रानी की दुख को देख करके ये दुखी हो जाती हैं, आज श्याम सुंदर नहीं आए, श्याम सुंदर के विरह में राधा रानी दुखी है, इनकी दुख में जो दुखी हो जाती हैं, इसको नाम कहते खंडिता, मतलब समय देख करके समय का टाइम में जो नहीं आने पर श्याम सुंदर राधा जी की दुख को देख करके जो दुखी हो जाती है, इसका नाम खंडिता भाव है। कहते जो ललिता सखी है, कहते ये इनका जो वाद्य है, अलग अलग सखियों का अलग अलग वाद्य बजाती हैं, लेकिन ललिता सखी सुंदर सबसे कौन सा वाद्य को बजाती हैं, बता सकते हो, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, कौन बोलेगा बोलो,
हाँ ये वीणा है। यद्यपि सब विद्या में निपुण है लेकिन ये ललिता सखी बड़ा सुंदर वीणा बजाती है, जिसे वीणा को सुन करके श्याम सुंदर और राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। वीणा इनका राग कौन सा राग है बता सकते हैं? कौन सा राग में अलग अलग भजन होता है ना, लेकिन जो राग अलग अलग कौन सा राग कौन बोलेगा? बोलो बोलो। हाँ इनका राग भैरवी, भैरवी एक राग है। ये भैरवी राग में ललिता सुंदरी बड़ी सुंदर ये राग गाती हैं। कहते जो ललिता है, कहते इनकी जो पिताजी का जो गुण अगर बेटी में आए ना, वो बेटी को बड़े सौभाग्यवान मानी जाती है। अगर अगर माँ की गुण अगर बेटे में आए, वो बेटे को बड़े सौभाग्य मानी जाती है। कहते इनकी पिताजी हाँ जो विशोक है, कहते इनका गुण इनके अंदर में, बोले इनका क्या गुण है बता सकते हो? बोले दयालु। क्या क्या है? दयालु, बड़े कृपालु ये है। कहते इनका गुण श्री ललिता को अंदर में, इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए कहते यहाँ पर कहते हैं, अगर किसी सखी को अंदर मतलब ब्रज में किसी कन्या को अंदर में, जैसे लकी हरे कृष्णा महाराज खत शेष हो जाते जने, अभी क्या हुआ, जैसे कोई लड़की अगर जन्म लेती ना, लड़की जन्म होने पर क्या होता है, जैसे राधा रानी की, जैसे बच्ची की रुचि पर क्या होता है, राधा रानी की कोई वस्त्र लेकर के ललिता सखी जाती है और रख लेती है वहां पर। अगर वो बच्ची गुठन पर चलते 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 अगर राधा रानी की वस्त्र को अगर स्पर्श कर लेती है, वो समझ जाती है ये बड़ी होकर के ना ये राधा रानी की पक्ष में, क्योंकि वहां पर तटस्थ विपक्ष स्वपक्ष है, चंद्रावली का दल है, चंद्रावली का दल में जाएगा तो वो खुश नहीं होती। अगर राधा रानी का वस्त्र पहन लिया ना, समझ लिया क्या है ये बड़ी बन करके श्री राधा रानी के पक्ष में, वो हमारी दल के है, वो हमारी दल, इसलिए ललिता सुंदरी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। अगर किसको अंदर में थोड़ी सी भी गंध किसको अंदर में हो जाए, क्या गंध है, हम श्री राधा रानी की अनुगत्य में सेवा करना चाहते, राधा जी की दासत्व, ये थोड़ी सी अगर किसके अंदर में गंध आ जाए ना, ललिता सखी उस इच्छाओं को सत्य संगठन कृतार्थ है थी, उनकी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी ये ललिता सखी उनकी इच्छाओं को ये पूरी कर देती है। ये ललिता सखी कहती ये प्रेम शिक्षा की गुरु है, ये प्रेम शिक्षा की ये गुरु श्री ललिता सखी हैं, इसलिए राधा कृष्ण से अगर कोई मिलना चाहते हैं, जब तक ये ललिता की कृपा नहीं होगी तब तक राधा कृष्ण को कोई मिल नहीं सकते हैं। यही ललिता सखी जावट में राधा रानी को अमावस्या रात में उनको काला कपड़ा पहना देती है, काला कपड़ा पहना करके उनको क्या कराती है, उनको अभिसार मतलब कृष्ण को साथ मिलने गलने के लिए ले जाती है और कहती है देखो राधे खिलखिला करके हंसना नहीं, क्योंकि जब राधा रानी हंसती है उनकी जो दांत है ना कुंद पुष्प जैसे, अगर वो राधा रानी अगर हंस दे ना, इसकी दांत की इतने ज्योति, दांत की इतने प्रकाश है, चारी तरफ में उज्ज्वला उज्ज्वला हो जाती राधा रानी की केवल हंसना। इसलिए ललिता कहती देखो राधे हंसना नहीं, अगर तुम हंसोगे ना चारी तरफ पे उज्ज्वला उज्ज्वला हो जाए, किसको पता चल जाएगा तुम जा रहे हो कृष्ण से मिलने के लिए। इसलिए जावट में यही ललिता से की कहते मिट्टी हाँ कीचड़ में कांटा को फेंक करके, कांटा को दे करके इनकी आंखों में काला पट्टी बांध करके बोले से चलना सीखो, इसके अंदर में चलना सीखो। बोले क्यों? जब अमावस्या रात में कृष्ण से मिलने के लिए जाओगे, पर जाओगे कैसे, मतलब ये ललिता सखी राधा रानी को शिक्षा प्रदान करती हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे चलो ऐसे चलो। इसलिए ये ललिता हर जो ललिता की घर में विशेष करके तीन जो सखियां हैं, कहते कौन कौन है, बोले एक अनंग मंजरी और कौन है, कौन बोलेगा बोलो, एक अनंग मंजरी कौन बोल रहा है, एक है रूप मंजरी और एक है कौन बोल रहा है, लवंग मंजरी, एक है लवंग मंजरी। कहते ये तीनों सखी विशेष करके ये ललिता सखी की अनुगत्य में सेवा करते हैं, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ललिता सखीरा अजोग्या किंकारी विनोद धारी छे पाए, आ ललिता सखीरा अजोग्या किंकारी विनोद धारी छे पाए। ठाकुर कमल मंजरी रूपे कर रहे हैं, हमारा जो गण है ना, कौन गण, हम लोग सिर्फ ललिता की गण में, इनकी गण में, अगर जब तक इनकी गण में गणित नहीं होंगे ना, तब तक राधा कृष्ण की निकुंज लीला में जीव का प्रवेश नहीं। इसलिए इन्हीं परंपरा में, इसलिए ललिता सखी के चरण में हम आए हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं ललिता सखी आप तो किसकी अंदर में राधा जी की दासत्व तो बनने की कोई गंध तक भी आ जाए ना,
आप उसी समय इच्छा को पूरी कर देते हो। हम भी अपना गुरु जी की अनुगत्य में, कौन सा गुरु जी? श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। ये कौन है, कौन सखी है, बोलो कौन है, कौन मंजरी है? रमण मंजरी कहते हम। और उनको गुरु जी कौन है? भक्ति प्रज्ञान कैसे, कौन मंजरी? और उनको गुरु जी कौन मंजरी? बाबा सब पंडित बैठे थे, इसलिए नयनमणि मंजरी। हम सब इनके अनुगत्य में अभी आए हैं, और उनके अनुगत्य में श्री वन महाराज जी वन मंजरी है, माधव महाराज जी तीर्थ महाराज। इसलिए हम इन गुरु परंपरा में हम सबके सब आए हैं। ललिता सखी हम सबको ऊपर में कृपा करे, जैसे कभी ना कभी राधा रानी के अनुगत्य में श्री जुगल सरकार की सेवा हो। बोले श्री ललिता सखी की, बोले श्री ललिता सखी की।